यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। ऑनरेबल, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई और उस पिटीशन में ये आग्रह सुप्रीम कोर्ट से किया गया कि जो कांग्रेस का सीपीसी के साथ समझौता 2008 में हुआ, यानी कि जो एग्रीमेंट भारत की एक नेशनल पार्टी जिसको कांग्रेस कहते हैं, जिसको मैं कांग्रेस कहता हूँ, उसका चीन की जो मुख्य डोमिनेटिंग पार्टी है, यानी कि जो वहाँ की मुनार्क पार्टी है, उस पार्टी के साथ 2008 में एक एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लोग गए और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका लगाते हुए कहा कि इसकी जांच एनआईए से होनी चाहिए और ये भारत विरोधी एक्टिविटी है, ये सॉवरेन पावर को के लिए डेंजर है। और अब चीफ जस्टिस ने उस समय सुनते समय एक स्टेटमेंट दिया कि आई नेवर हर्ड द एग्रीमेंट लाइक दिस। उन्होंने कहा, मैंने ऐसा कभी कोई एग्रीमेंट सुना नहीं है कि दो देशों के बीच में दो पॉलिटिकल पार्टियां आपस में एग्रीमेंट करें। हालांकि वो पिटीशन विड्रॉ हो गई, विड्रॉ होते क्योंकि चीफ जस्टिस ने उनको ऑप्शन दिया कि आप हाईकोर्ट जा सकते थे इस मैटर के लिए, वो दिल्ली हाईकोर्ट का जुरिडिक्शन लगता है, आप हाईकोर्ट जा सकते थे, आप हाईकोर्ट चले जाइए, फिर हमारे पास आइए। हाईकोर्ट में चूंकि एग्रीमेंट का मामला है, पॉलिटिकल पार्टी जो लोकल वहीं की है उसका मामला है, इसलिए आप हाईकोर्ट में भी जा सकते हैं। वो पिटीशन विड्रॉ कर ली पिटिशनर ने और वो हाईकोर्ट के लिए उन्होंने लिबर्टी ले ली कि मैं हाईकोर्ट जाऊंगा। लेकिन चीफ जस्टिस का अनायास ही ये कहना कि आई नेवर हर्ड द एग्रीमेंट लाइक दिस खुद में एक बहुत बड़ा बात कहता है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शायद अनभिज्ञ होंगे, नहीं तो या जानते भी होंगे, परंतु उस एंगल से उन्होंने उन एग्रीमेंट्स को नहीं देखा होगा। उनके नानी के पिताजी, सॉरी, उनकी दादी के पिताजी, यानी कि उनके पापा के नाना ने ऐसे दो एग्रीमेंट किए थे जिन्होंने देश का बंटाधार करके रखा। आज की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं में मुख्य वो दो एग्रीमेंट हैं जो नेहरू जी ने उस समय तत्काल प्रधानमंत्री रहते हुए किए थे और बीइंग ए पॉलिटिकल पार्टी किए थे। मैं इसलिए कहता हूं कि वो दो पॉलिटिकल पार्टीज का एक मेमोरेंडम है, वो इसलिए क्योंकि भारत की संसद में उसको नहीं रखा गया, भारत की संसद से उसका अप्रूवल नहीं आया, भारत की संसद में उस पर बहस नहीं हुई। कोई भी एग्रीमेंट अगर इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी होता है हमारा, तो फिर उसको भारत की संसद में रखना आवश्यक होता है। मैं इंटरनेशनल लॉज पर आपको कुछ चर्चा कर दूं कि एक फॉर्मूला होता है जिसको हम पैक्टा सेंट सर्वेंडा कहते हैं, एनजीलोटी ने दिया था और कहा था कि ईच एंड एवरी पार्टी इज बाइंडेड बाय द ट्रीटीज दे हैव मेड। तो इंटरनेशनली हम ट्रीटियां करते हैं, कुछ हम सार्वजनिक ट्रीटियां करते हैं, ओपन ट्रीटीज करते हैं, जैसे यूएनओ में अगर कुछ हुआ तो ओपन ट्रीटी हो गई, कुछ हम बायलेटरल ट्रीटी करते हैं, दो दो लोग मिलकर, कई हम कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में ट्रीटियां करते हैं, कोविनेंट साइन करते हैं, कन्वेंशंस होते हैं। लेकिन इन सभी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में या इंटरनेशनल ट्रीटीज में एक क्लॉज और होता है, सदैव होता है। मैं कैसे उसको आपको डिफाइन करूं, जैसे यूएनओ के अंदर जनरल असेंबली में हर एक कंट्री के 5 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एक वोट डालने का अधिकार होता है। अब यूएनओ में कोई बात हमने कह दी या इंटरनेशनल फोरम पर हमने कोई बात कह दी या कोई इंटरनेशनल ट्रीटी हम लेकर चल दिए, कोई नई इंटरनेशनल ट्रीटी आई और हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने वहां पर हामी भर दी, हाँ कर दी, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव के वहां हाँ करने मात्र से हमारा देश उस पर बाइंड नहीं होता। हमारा प्रधानमंत्री विजिट करने गया, उसने एक मेमोरेंडम साइन किया, वो मेमोरेंडम से हम बाध्य नहीं होते हैं। इकोनॉमिक पावर है तो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको इकोनॉमिक ट्रीटी करने की पावर दी है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 299 300 में कॉन्स्टिट्यूशन ने इकोनॉमिक ट्रीटी करने की पावर दी है। प्रेसिडेंट के नाम पर, प्रेसिडेंट के बिहाफ पर हम इकोनॉमिक ट्रीटियां कर सकते हैं, हम ट्रेड एग्रीमेंट्स कर सकते हैं, कुछ आना आयात निर्यात, कुछ बेचना खरीदना, ये सब कर सकते हैं सरकार के प्रेसिडेंट के बिहाफ पर सरकार के द्वारा। लेकिन जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरन पावर की बात होती है, जिससे देश की जनता इफेक्टेड होती है, जिससे सॉवरन शक्तियां इफेक्टेड होती हैं, उन मामलों में किसी भी कंट्री को, किसी भी कंट्री के प्रतिनिधि को भी अगर उसने एग्रीमेंट कोई कर लिया है, कोई मेमोरेंडम साइन कर लिया है, तो उस मेमोरेंडम से वो देश बना हुआ नहीं होता। जैसे मैं एक और आपको उसका इलास्ट्रेशन देता हूं कि
राहुल गांधी जिस समय कांग्रेस की सरकार थी यहां पर, उस समय वो वहां जॉर्ज बुश के साथ एक एग्रीमेंट कराए कि हम न्यूक्लियर सप्लाई यहां पर करेंगे। बाद में ओबामा बैठे, ओबामा ने कहा वी विल रिव्यू इट, क्योंकि वो वहां की संसद से अमेंडमेंट नहीं आया, जिसको 1-2-3 अमेंडमेंट कहते हैं, वो अमेंडमेंट नहीं हुआ। अमेंडमेंट हुआ जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में बैठे, तब 1-2-3 एग्रीमेंट हुआ। और अब वहां की पार्लियामेंट ने चूंकि एग्रीमेंट कर ले, वो कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन कर दिया आपने, इसलिए अब वो एग्रीमेंट बाध्य है। अदरवाइज पहले जो हमारा मेमोरेंडम साइन हुआ था यूपी गवर्नमेंट के टाइम पर, जिसमें राहुल गांधी देश में चुनाव जब 2009 का लड़ रहे थे तो हिंदुस्तान को न्यूयॉर्क बना रहे थे, न्यूयॉर्क के में जैसे रात में भी दिन महसूस होता है, रात नहीं महसूस होती ऐसा लोग कहते हैं, तो यहां पर भी वो न्यूयॉर्क बनाने की बात कर रहे थे कि न्यूक्लियर एनर्जी हम लेकर आएंगे और भारत को न्यूयॉर्क बनाएंगे, लेकिन वो एग्रीमेंट चल नहीं पाया था। क्यों? क्योंकि जिस समय ओबामा बैठे तो ओबामा ने कहा कि हम उसको नहीं मानते, हम उससे नहीं चलने वाले हैं, और पार्लियामेंट गया नहीं था। मोदी जी के समय पर पार्लियामेंट गया, इसलिए वो पक्का काम हो गया। तो इन ट्रीटियां जो भी होती हैं, जो मेमोरेंडम होती हैं, उसमें एक रिजर्वेशन क्लॉज रहता है, और रिजर्वेशन क्लॉज का मतलब होता है कि वो जब वहां की संसद से अप्रूव्ड हो जाएगा तब बाइंडिंग होगा। ये रिजर्व है कि संसद सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ द अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ दैट कंट्री और सॉवरेन अथॉरिटीज ऑफ दैट कंट्री। तो नेहरू जी ने जो एग्रीमेंट किए, उन एग्रीमेंट्स को चूंकि संसद में नहीं रखा गया था, इसलिए दो पॉलिटिकल पार्टीज के एग्रीमेंट ही उसको कहा जाएगा, भले ही वो प्रधानमंत्री थे तो क्या हुआ। अब अगर सीपीसी के साथ या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ ये कांग्रेस पार्टी ने एग्रीमेंट किया, राहुल गांधी ने एग्रीमेंट किया, और प्रधानमंत्री उस समय मनमोहन सिंह थे, तो मनमोहन सिंह तो रबर स्टैंप रबर प्रधानमंत्री थे, बाकी तो असली पावर यहीं पर थी, तो क्या मनमोहन सिंह करते तो भी वही बात होती और ये कर रहे हैं तो भी वही बात होती। मैं उन दो एग्रीमेंट्स का आपको हवाला देना चाहूंगा। पहला एग्रीमेंट हमने 1950 में किया, जिसको आप नेहरू लियाकत समझौता कहते हैं। नेहरू लियाकत समझौते में 1947 में इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया 1947 पास होने पर टू नेशन थ्योरी निकली थी, टू डोमिनियन थ्योरी निकली थी, दो नेशन अलग अलग हो गए थे धार्मिक आधार पर कि भाई हिंदू यहां रहेंगे और मुसलमान सब हिंदुस्तान के वहां रहेंगे। यह तय हो गया, ये कानून बना बाकायदा, ब्रिटिश पार्लियामेंट उस समय सॉवरन हुआ करती थी हमारे ऊपर, ब्रिटिश पार्लियामेंट से वो पास हुआ, और भारत में चूंकि स्वतंत्रता आ चुकी थी इसलिए वो भारत की संसद से भी उसका अप्रूवल आया। तो इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया 1947 के तहत ये कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई। 1950 में नेहरू और लियाकत ने दिल्ली में बैठकर एक समझौता कर लिया। उस समझौते में यह तय हुआ कि जो हिंदुस्तान में मुसलमान है उसको हिंदुस्तान में, यानी कि उनका मुसलमान जो हिंदुस्तान में है उसकी सुरक्षा भारत सरकार करेगी, और हमारा हिंदू जो पाकिस्तान में है उसकी सुरक्षा पाकिस्तान करेगा। ये एग्रीमेंट कभी संसद में नहीं लाया गया, इसलिए ये एग्रीमेंट की कोई लीगल वैलिडिटी इंटरनेशनल लॉज के तहत नहीं होती। और हम सब जानते हैं कि CAA के दौरान जो हमारे लोग वहां पर थे, जिनको 1947 में भारत में आना था, उनको वहां लजाया सताया गया और हमने उनको यहां पर नागरिकता दी, तो भारत में कैसा बवाल है, इसी कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया, जिस कांग्रेस पार्टी के नेहरू ने समझौता किया था और एक इलीगल समझौता किया था। तो वो समझौता कांग्रेस का समझौता मुस्लिम लीग के साथ माना जाएगा, ना कि वो इंटर कंट्री समझौता है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री जरूर थे लेकिन संसद में पास नहीं हुआ, क्योंकि संसद से उसका अप्रूवल नहीं आया, इसलिए उस समझौते की कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती। एक समस्या वो भारत में आज है। दूसरी भारत में जो समस्या नेहरू जी ने दी, वो एक पॉलिटिकल समझौता जिसको दिल्ली एकॉर्ड या दिल्ली एग्रीमेंट कहते हैं, 1952 में किया शेख अब्दुल्ला के साथ। अब देखिए कि 25 नवंबर सन 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जम्मू कश्मीर गया, जम्मू कश्मीर के राजा ने उस पर प्रोक्लेमेशन किया, और उस प्रोक्लेमेशन में कहा उसने कि नाउ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एंड शैल बी द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, जैसे बाकी राजाओं ने किया वैसे उसने भी किया। 370 तो हमने अपने एक राज्य के लिए, जब वो राज्य हमारा हो गया तो हमने एक राज्य के लिए 370, जैसे हमारे पास 25 आर्टिकल हैं 15 राज्यों में इस प्रकार लागू होते हैं, वैसे ही एक आर्टिकल हमने जम्मू कश्मीर के लिए भी बनाया।
इंटरनल पार्लियामेंट में, हालांकि वो गलती थी हमारी, लेकिन हम अगर उसको सही भी मान लें कि उस समय की परिस्थितियों के अनुसार हमने बनाया था, तो भी जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया और ये कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू और कश्मीर का भी कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, केवल उतने पार्ट को छोड़कर जितना 370 ने रोक दिया था, उसके लिए एक लोकल कॉन्स्टिट्यूशन 370 ने ही अनुमत देकर, जब तक रिजॉल्व ना हो जाए, परिस्थितियां नॉर्मल ना हो जाए, तब तक वहां पर एक लोकल कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर दी थी 370 में ही। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर इज द सबॉर्डिनेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 370 ने एक अनुमति दी है, इसलिए वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर भारत का संविधान अनुमति नहीं देता तो कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर नहीं हो सकता, क्योंकि राजा ने एक बार राइट सरेंडर किए, राजा ने वहां पर एक बार संविधान लागू कर दिया, संविधान लागू करने के बाद अब राजा का कोई अस्तित्व नहीं, और वहां के लोगों का जो बाकी का सिस्टम बचा है वो वहां डेमोक्रेटिक सिस्टम चलेगा, उससे वहां सरकारें चलेंगी। तो फिर आप मुझे बता दीजिए, जब 1950 में 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया पूरे देश में, जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया, तो फिर आपको 1952 में एक पॉलिटिकल समझौता करने की क्या जरूरत थी, जिसको आपने पार्लियामेंट को नहीं बताया। और इस पॉलिटिकल समझौते में ही ये जितना बंटन हर जम्मू कश्मीर का करके रखा, 370 उसमें बड़ा कल्प्रिट नहीं है, बड़ा कल्प्रिट इसमें ये दिल्ली एकॉर्ड है, जो नेहरू ने उस समय शेख अब्दुल्ला के साथ, यानी कि कांग्रेस पार्टी ने उस समय की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस आज की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ किया, और उस एकॉर्ड में कहा कि जम्मू कश्मीर के जितने भी निवासी होंगे वो भारत के नागरिक होंगे, लेकिन भारत के नागरिकों को वहां डोमिसाइल नहीं मिलेगा, और ये सॉवरेंटी मेंटेन रखेंगे। सॉवरेंटी तो मेंटेन तब रखेंगे जब राजा का राज होता, राजा ही अपनी सॉवरेंटी जब सरेंडर कर चुका है भारत सरकार के आगे, और उस तरह के 650 राजाओं ने अपनी सॉवरेंटी भारत सरकार के सामने सरेंडर कर दी, तो आप मुझे बता दीजिए कि ये एक प्राइवेट एग्रीमेंट करने की आपको क्या जरूरत थी, पॉलिटिकल हेड ऑफ कांग्रेस नेहरू जी और पॉलिटिकल हेड ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख अब्दुल्ला, इनके बीच में जो ये अकॉर्ड हुआ, ये अकॉर्ड को ही जम्मू कश्मीर के लोग आज भी बार बार ज्ञान देते घूमते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी जो पिटीशन है उसमें भी दिल्ली अकॉर्ड लगा हुआ है कि साहब दिल्ली अकॉर्ड इज द ग्राउंड, और मैं कहता हूं कि ये एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट था दो पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में, नथिंग एल्स। अगर जम्मू कश्मीर आज भारत का पार्ट ना होता तो आप क्या कहते हैं, तो कहते ये दो पॉलिटिकल पार्टीज का एग्रीमेंट था, एक भारत की कांग्रेस और किसी दूसरे स्थान की नेशनल कॉन्फ्रेंस या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। यह बात आप जम्मू कश्मीर जो हमारे पास है उसको छोड़ दीजिए, जो पाकिस्तान ने इलीगली जम्मू कश्मीर का हिस्सा ऑक्यूपाइड करके रखा है, जो कब्जा करके रखा है, वहां के लोग तो इस एग्रीमेंट को फॉरेन एग्रीमेंट ही मानते हैं, मानते होंगे, जैसा कि सीपीसी के साथ कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए एग्रीमेंट किया। तो माननीय चीफ जस्टिस साहब के संज्ञान में शायद नहीं होगा कि ये जो एग्रीमेंट है राहुल गांधी ने किया, ये पहली बार नहीं, इससे बड़े बड़े एग्रीमेंट नेहरू जी और इंदिरा गांधी कर चुकी हैं, और नेहरू और इंदिरा जो एग्रीमेंट कर चुके हैं उन एग्रीमेंट की वजह से जम्मू कश्मीर इतनी बुरी दशा में है, और उनकी वजह से भारत में हिंदू मुस्लिम समस्या है। देश का बंटवारा होने के बावजूद, धार्मिक आधार पर बंटवारा होने के बावजूद, आज परिस्थितियां दूसरी हैं। CAA में भारत को जलाया गया, उसका मेन कारण था नेहरू लियाकत समझौता, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोई स्टेटस नहीं था, क्योंकि वो कभी पार्लियामेंट में नहीं गया। इसी आधार पर, इस दिल्ली एग्रीमेंट के आधार पर ही आपने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 पास कर दिया, और उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 में आपने एक आर्टिकल 35 कैपिटल ए जोड़ दिया, उस आर्टिकल 35 कैपिटल ए को जम्मू कश्मीर को दे दिया, और उसके आधार पर पूरा उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन हिंदू विहीन और मुसलमान बाहुल, और उन्होंने 1989 में हिंदू वहां से निकाल के बाहर कर दिया। कहां गया सेकुलरिज्म, कहां था सेकुलरिज्म, कहां था फंडामेंटल राइट, कहां था देश का ये ढांचा, संघी ढांचा, और देश की डेमोक्रेसी, और देश की डेमोग्राफी, उन सब के पीछे का जो मुख्य कारण था वो नेहरू का इलीगल समझौता, नेहरू के इलीगल एक्ट, जो पार्लियामेंट में कभी गए नहीं, इसलिए उनकी कोई लीगल वैलिडिटी, भारत सरकार उससे बाइंड नहीं है, केवल नेहरू जी बाइंड हो सकते हैं, और उन्हीं उसी रास्ते पर चलते हुए श्रीमान जी राहुल गांधी भी CPC के साथ एक समझौता करके आए। ये माननीय चीफ जस्टिस जी को एकदम लगा कि हाउ इज इट पॉसिबल, मैंने तो कभी सुना नहीं। आपको मैं बता दूं कि उससे पहले भी ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनको सुनकर आपको बड़ा अचंबा सा लगेगा कि दैट इज़ नॉट न्यू इन इंडिया। थैंक यू। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं,
जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।